तो बताइए, मुझे गुस्सा नहीं लगेगा? अभी फिर भी ठंडा पानी में ना, ठंडा पानी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे, गुड मॉर्निंग। वीडियो जा रही है शाम में, तो गुड इवनिंग। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चे सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, और धूप थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ, किस तरीके से मेरा रूम जो है तहस नहस रहता है। और यहाँ टेबल भी आप देखिए कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत कचरा कचरा सा लग रहा है। हालांकि मैं डेली समेटती हूँ, लेकिन डेली यही हाल होता है। यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब पूरा घर अभी कचरा हो रखा है। इसलिए मैं पहले दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके का रहता है सुबह सुबह मेरा घर। और यहाँ पे देखिए सबसे छोटे बच्चे ने जो है कपड़े बिखर के रखे हैं। आप समझ गए मैं अपने हस्बैंड जी की बात कर रही हूँ। तो ये सभी को मुझे करना है रेडी। तो चलिए, बच्चे तो फिलहाल सो रहे हैं, इन्हें सोने देते हैं। जब ये उठेंगे तब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और गर्मा गर्म यहाँ अपने बच्चों के लिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ। वो उठेंगे तो भूख लगेगी उन्हें, तो सबसे पहले हॉर्लिक्स रोटी ही वो मांगेंगे। तो गर्मा गर्म फुली फुली रोटियां हम यहाँ तैयार करते हैं, जिसमें से हस्बैंड जी को भी टिफ़िन में देना है। तो अभी जैसे छुट्टी का दिन रहता है ना, तो बच्चे सो रहते हैं ना, मुझे उठाने का जगाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एक ही दिन तो उन्हें मिलता है, कभी हॉलीडे मिलता है, तो आराम से मैं उन्हें सोने देती हूँ। बट ऐसा होता है कि छुट्टी का दिन ही वो जल्दी थोड़ा उठते हैं। अभी जैसे टाइम हो चला है, 6 बज गया है, बट अभी वो नहीं उठे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। और जब तक मैं इधर रोटी बना रही थी ना, तो तब तक बच्चे भी उठ चुके हैं। और यहाँ पर कुकर पर मैंने ना आलू उबाल के रख दिया है। आज कुछ ऐसे सब्जी खाने का इच्छा भी नहीं हो रहा, हरी सब्जी। तो आज सोच रही हूँ मैं सिंपल सा बस दाल भात चोखा बनाऊँगी। तो तेल यहाँ ख़त्म हो गई थी। तो कौन कौन ऐसा करता है, जैसे तेल डाल के ना पन्नी जो होता है ना, वो आधा एक घंटे के लिए हम डब्बे के ऊपर में इस तरीके से लटका देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ हर एक चीज़, चाहे वो फेस वाश हो, चाहे वो कोलगेट ही क्यों ना हो। मतलब जब तक वो पूरा चपटा ना हो जाए ना, मैं बीच से कट करके उसे हाथ से निकाल के यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर छोटे छोटे वाले मैं पापड़ लाई थी 10 रुपये वाले, तो उसे मैं फ्राई कर देती हूँ। तो ये उतना टेस्ट, श्री राम का बस नाम इसमें छपा हुआ था, बट उतना श्री राम जैसा टेस्ट नहीं है। तो 30 रुपये का मुझे मिला था ये पापड़, छोटे छोटे हैं, तो मैंने बोला कि चलो इसे ही ले लेते हैं। और सेम कढ़ाई पे मैं यहाँ पे चोखा फ्राई कर दूँगी, और साइड चूल्हे पे मैंने दाल चढ़ा दिया। तो दाल भात चोखा और साथ में थोड़ा सा पापड़ रहेंगे, और अचार मिल जाए तो और मज़ा है। तो किचन का काम को निपटाना सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद हमें निश्चिंत होकर काम कर सकती हूँ। तो चोखा पापड़ रेडी, और इधर देखिए दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो जब से आयुषी का उसके भैया के स्कूल में एडमिशन हुआ है ना, तब से दोनों एकदम दोस्त बन गए हैं, और बहुत ज़्यादा आयुषी हैप्पी भी है। तो मस्ती करते रहते हैं दोनों। तो हॉर्लिक्स रोटी यहाँ पे दे देती हूँ, हॉर्लिक्स भी ख़त्म हो गया था, तो दूसरे वाला पैकेट भी डाल दिया। सुबह से काफ़ी हड़बड़ी हड़बड़ी करना होता है, और मैं इन दोनों को बोल रही हूँ खा पी के मस्त रहो, अभी मुझे काम में हेल्प करना है तुम लोगों को। थोड़ा सा बर्तन थे, बाकी किचन को पहुँचना है, उसके बाद सीधे चली जाऊँगी मैं रूम में। और यहाँ पे अभी लक्ष्य कर रहा है वीडियो शूट, थोड़ा सा वीडियो मतलब शूट करने से क्या होता है ना, ज़्यादा लंबा स्टोरेज नहीं होता, थोड़ा सा हमारा मोबाइल में जगह बच सा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बेटा हेल्प कर देता है। मेरा ट्राईपोड भी टूटा हुआ है, कब से मैं लूँगी सोच रही हूँ, बट ले नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहला जो काम है, मैं यहाँ पर कपड़े ही समेटूँगी, धोया हुआ सब कपड़ा है, सबको उनके जगह पे समेट के रख दूँगी, ताकि बच्चों को अगले दिन दिक्कत ना हो स्कूल के लिए। नहीं तो मैं किचन में रहती हूँ, खिड़की से चिल्लाते रहते हैं, माँ ये चीज़ नहीं मिल रहा, माँ वो चीज़ नहीं मिला, माँ मेरा मोजा कहाँ, माँ मेरा रुमाल कहाँ है। और उधर से हस्बैंड जी, अरे ये चीज़ मेरा कहाँ है, अरे मेरा टावल कहाँ है, अरे मेरा रुमाल कहाँ है। सुनती है ऐसा करते रहते, तो मुझे डिस्टर्ब होता है, बार बार मुझे किचन से निकलना पड़ता है।
और इन्हें खिड़की से आके जवाब देना पड़ता है। जैसे दुकान हम जाते हैं खिड़की से कोई सामान मांगते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेरा हाल होता है सुबह सुबह। तो इसीलिए सभी कपड़ों को उनके जगह पे मैं रख देती हूँ। दोस्तों काम है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ ब्रश करके कुछ खा लेती हूँ। काफ़ी मुझे थकान सा भी लग रहा, और आज बच्चों का छुट्टी है तो आज ही टाइम है, थोड़ा सा वो वीडियो वगैरह शूट कर देंगे। तो अकेले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, स्टोरेज मेरा फुल हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने काम पे। बेटे को भी उसके काम में लगा दिया है, साथ में आयुषी को भी मैं बुला रही हूँ कि आ जा बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मेरा हेल्प कर देना, झाड़ू उड़ू में कुछ भी मांगूंगी। तो ऐसे मैं सप्ताह में एक बार जैसे मैं साफ की थी, तो ज़्यादा जाले नहीं पड़े हैं, कहते ना घर में जाले नहीं दिखने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जाले यहाँ पे मुझे दिख रहे थे। फिर सावन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर टाइम मिले ना मिले तो जब मौका मिलता मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा बस झूल हो गए थे, और ज़्यादा जो परेशानी करती है ना वो छिपकली है, काफ़ी पोटी कर करके भर देते हैं रेक सब में, तो वो ज़्यादा दिक्कत करता है। इसलिए सप्ताह में 2 दिन तो करना बनता है ये चीज़। सबसे पहले ऊपर ऊपर का जाला मैं यहाँ पे साफ़ कर दिया। जब भी मैं सफाई करूँगी ना, बच्चे सबसे पहले खास करके लक्ष्य आगे आगे होता है कि मुझे करना, उसे ये सब काम में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो हेल्प करता, दोनों बच्चे मेरे जो है ना मेरे हेल्प करते हैं कुछ भी काम में। आयुषी थोड़ा सा ना नुकुर करती है, बट थोड़ी देर बाद वो भी लाइन में आ जाती है। जब मैं बोलती हूँ ना कि शाम में आज ये नाश्ता बनाऊँगी तो नहीं दूँगी तुझे, मतलब दूँगी कम दूँगी, तब वो आ जाती है लाइन पर। बाकी जो लक्ष्य है ना वो मेरा बहुत मदद करता, हेल्प करता। अभी तो देखिए छोटा है तो कर ही रहा है, अब बड़ा होकर कौन देखा है कैसा होगा, है ना, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। फिलहाल हम जैसे संस्कार देंगे उस हिसाब से माँ बाप तो सभी बच्चों को अपने अच्छे ही मतलब जो है गाइड करते हैं, और बाकी उनका नसीब है। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उन्हें जैसा बनना है करना है वो हम कर ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज जो है किचन बोले रूम क्लीनिंग का चैलेंज लिए हैं 60 मिनट में, तो वही चीज़ मैं कर रही। पर आप लोगों को क्या लगता है, हाउसवाइफ अगर आप वीडियो देख रहे तो बताना, क्या इतना इजी होता है, पॉसिबल होता है 60 मिनट में पूरा रूम क्लीनिंग? तो चलिए सुनीता तो लगी हुई है, तो ये रूम ऊपर ऊपर झाड़ा हो गया है, मैंने झाड़ लिया है, साथ ही चादर चेंज कर दिया है और तकिया का कवर भी चेंज कर दिया। तो सभी कपड़ों को और पैर पोछना को मैं यहाँ पे ले जाऊँगी। बाथरूम में सर्फ पानी में 1 घंटा डुबो कर रखना भी ज़रूरी है। अब बाहर वाले रूम को थोड़ा सा झाड़ना है मुझे, तो पर्दे भी देखिए इधर उधर इधर सब हो जाता है। मैं ना कुछ कुछ सामान जो यूज का नहीं होता है ना वो छुपा के रख देती हूँ रेक पे, बट ये बच्चे इतने शरारती है, कुर्सी लगा के चढ़ जाते हैं और पर्दे को पूरा खसका के उसे छोड़ देते हैं। जैसे ये गाना सुनने वाला था, होम थिएटर था छोटा सा, उसको भी ये लोग क्या किए ना उतार के नीचे रख दिए और पर्दे को खिसकाते नहीं हैं। और मुझे उसी में से लग जाता है गुस्सा, जब ज़्यादा गुस्सा लगता है तो पड़ जाती है दोनों को पिटाई। बट क्या करूँ, कभी कभी हाथ साफ करना पड़ता है ना। और यहाँ इस रूम को भी ज़्यादा झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े थोड़े जाले लगे थे तो चादर वगैरह चेंज करूँगी। और यहाँ देखिए टेबल का हाल देखिए, और दोस्तों देखिएगा मैं अभी समेट रही हूँ ना, शाम होते होते इसका हुलिया आप देखिएगा वापस से वैसे ही हो जाएगा। खैर बच्चे तो डर से थोड़ा कर भी देते हैं, और जो सबसे छोटा वाला मेरा बच्चा है ना मेरे पति देव जी, वो तो नहीं, बोलते रहिए सुन लेंगे, बस निकल जाएंगे सीधा ऑफिस के लिए और पूरा सामान छितरा देंगे। बोलते हमको ऐसे ही पसंद है, जो फेंका हुआ सामान हमको जल्दी मिलता है। तो कुर्सी पर उनका देखिएगा सारा गमछा, उनका चड्डी, उनका रुमाल सब वैसे बिखरे पड़े रहता। मैं बोलती भी हूँ कि मैं वीडियो शूट करती हूँ ऐसे मत रखा कीजिए ना, तो बोलते कि तुम ध्यान दो समेट दो, और मैं करके कितना करूँगी आप बताइए। एक मतलब छुट्टी का दिन भी मुझे आराम नहीं होता, बल्कि और डबल मेरा काम हो जाता है। एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि बच्चों को थोड़ा नहलाना, उनके नेल चेक करना, उनके कान चेक करना, कान साफ करना और साफ़ सुथरा करके थोड़ा नहलाना बच्चों को, वो सब ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा बालों में शैम्पू भी लगा कर नहलाना, फिर बालों बाल जैसे सूख जाते तो तेल लगाना, कंघी करना, वो एक हो जाता छुट्टी का दिन मेरा एक्स्ट्रा काम। तो छुट्टी का दिन तो और मेरा ज़्यादा हो जाता है काम, और ख़ास करके कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है, डिनर लंच तीनों टाइम है ना, और शाम में नाश्ता भी। देखिए कितना सारा यहाँ पे कचरा निकला हुआ है, जो जाला मैंने झाड़ा हुआ था ना अभी तो कम निकला है, और ये टेबल क्लॉथ को भी मुझे धोना है, अभी आज तो नहीं धोऊंगी। और एक ही लिया है मैंने, 99 से लिया था, फिर कभी जाऊंगी तो फिर एक ले लूँगी, वैसे मैं एक धोऊंगी तो एक चेंज करूँगी ठीक रहेगा। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बोरा वगैरह है वो सबको मैं यहाँ डाल दूँगी रेक का ऊपर में,
और पर्दे इसीलिए मैंने लगाए थे। हस्बैंड जी गुस्सा करते कि साड़ी का पर्दा मत लगाओ, अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अभी टेम्प्रोरी के लिए तो चलिए वही अच्छा दिख रहा है। और धूप देखिए अभी कितना कड़ा धूप है, तो चलिए पानी हम ले आते हैं नल से और अभी फटाफट से रूम को पोंछा लगाते हैं। तो ये वीडियो देखने में आपको लग रहा है 18 मिनट का, 19 मिनट का, बट साफ़ सफाई करने से पता चलता है कि कितना मिनट लगा है ना। और जब भी मैं पोंछा ओंछा करती हूँ ना, थोड़ा सा खिड़की और जैसे रेक का किनारे किनारे वो सब को भी पोंछा लगा लेती हूँ। इससे डेली डेली ये सब हम काम करेंगे ना, तो थोड़ा सा इजी ये होता है कि ज़्यादा घर कचरा नहीं दिखता। अभी जब से मैं रूम का मेकओवर थोड़ा सा की हूँ, बेड उड लेके, तब थोड़ा ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा साफ़ सुथरा रखूँ घर को। बट बच्चे हैं फ्रेंड, तो इधर उधर सब बिखेर ही देते हैं सामान। और अभी थोड़ा सा खिड़की का मुझे मेकओवर करना, पर्दे वगैरह सब सेट करने हैं, तो उसका पाइप उप थोड़ा लाने के लिए हस्बैंड जी को थोड़ा मुझे तेल मालिश करना पड़ रहा है कि चलिए मार्केट और ले कर आते हैं। नाप उप के सब रखे हैं, बट हस्बैंड जी थोड़ा नहीं जा रहे हैं साथ में, थोड़ा ज़्यादा वो बिजी है, इस वजह से अभी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों रूम को भी मैंने पोंछा लगा लिया है, क्लीन हो गया। और यहाँ आंगन पे बतख सब आते रहते हैं ना, तो सब इधर पोटी कर करके भर देते हैं, तो दागी दागी सा हो जाता है। डेली मैं नहीं धोती हूँ। और यहाँ पे बस ये जो घर पोछी थी वो पानी थोड़ा सा डाली हूँ और नल से एक बाल्टी पानी ले आई हूँ। दो बाल्टी पानी में आधा इसको हम जो है ना धो देंगे, क्योंकि शाम में फिर बारिश वाला मौसम होती है, वापस से बारिश आती वही काम हमारा हो जाता है। बट अभी थोड़ा सा अच्छा लगे, कोई मेहमान मन आ जाने से अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं। और सब मैं पानी पी पी के, जितना भी काम कर रही थी ना पानी पी पी के, फिर से मेरा गला सूख गया। तो यहाँ पर ऐसी बिटिया बैठी हुई थी, मैं बोली कि चल बेटी थोड़ा सा हटो, मुझे पानी पीने दो बैठ के। पानी हमेशा बैठ के ही पिया कीजिए दोस्तों, खड़े खड़े पानी पीने से कहा जाता है कि घुटनों में दर्द हो जाती है। और अभी देखिए ये सब मशीन से पूरा कचरा पड़ा हुआ है, तो ड्रेसिंग है ना भी काफ़ी कचरा हुआ है, तो कॉलिन से भी ये सबको साफ़ करना है। पूरा घर तो साफ़ सुथरा हो ही गया है, झाड़ू पोछा सब लग गया, बस कॉलिन से सभी घर के शीशे को साफ़ करना है। थोड़ा सा जो सफाई करने वाला चीज़ है अलमीरा सब, वो सब मुझे भी सफाई करने हैं। और यही सब अभी करते करते 12 बजने को है। उधर फिर मौसम चेंज हो जाती है 12 बजे के बाद। अभी तक कपड़े भी मैं नहीं धोई हूँ, प्लस आज मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, तो इसी वीडियो में तो ऐड नहीं करूँगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। बेटा यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहा है, अपना खेलने का छोड़ के मेरा काम में लगा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे मेहनत को और हमारे संघर्ष को देखते हुए हमें ज़रूर से सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जो है रियल लाइफ है और बच्चों के साथ माँ की मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, सभी चीज़ें रियल है, विलेज लाइफ है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पलंग का जो किनारे किनारे जो स्टील वाला पलंग है, दोनों पलंग का, उसको भी मैं कॉलिन से ही पोंछ देती हूँ। हालांकि कपड़ा भिगा के पोंछने से भी होता, बट कॉलिन वाला कपड़ा था तो उसी से मैं टेबल सब और यहाँ मशीन भी पोंछ दिया अच्छे से, उसे झाँप दिया, हवा चलती है तो काफ़ी इसमें कचरा सा आ जाता है। तो चलिए सब क्लीन हो गया है, दरवाज़ा को थोड़ा सा हम पोंछा लगा लेंगे और थोड़ा सा बस काम बचा हुआ है। तो जीरोक्स मशीन है घर पे ही मैं फ़ोटो वगैरह का काम लेती हूँ, जीरोक्स होता है तो उससे भी कुछ दो पैसे मेरे अर्न हो जाते हैं। और यहाँ कुर्सी को भी आप बोलिएगा कॉलिन से कौन पहुँचता है, बट अभी उतना मेरे पास हिम्मत नहीं कि मैं कुर्सी को बाहर ले जाऊँ, उसे सरफ से धोऊँ, तो इसीलिए अभी इसे नहीं धोते हैं। बस कपड़ा थोड़ा सा भींगा हुआ है कॉलिन से, तो उसी से मैं पहुँच दे रही हूँ। और जितना भी घर को सजा लूँ ना,
थोड़ा देर बाद ये बंदर हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों बंदर और एक बड़ा छोटा बंदर है ना, तीनों मिलके सब एकदम घर को तहस नहस कर देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये रहा हमारा, देखिए चेंज हुआ मौसम, आंगन भी यहाँ पे धुल चुका है। चलते हैं हम अभी घर के अंदर, तो बच्चों का शोर आप लोगों को सुनाई देता होगा। तो यहाँ पे बरामदा भी अच्छे से क्लीन हो गया है, चादर बिछा दिया है, इधर जाले भी नहीं दिख रहे हैं, अगर दिख रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस यहाँ पे देखिए टेबल भी अच्छे से यहाँ पे साफ़ हो गया है, कंप्यूटर टेबल और ये मशीन वाला टेबल भी, नीचे भी देखिए अच्छे से समेट दिया है। जो बोरा में आप देख रहे ना, ये सारा बच्चों का खिलौना है, इसलिए मैं एक बोरा में करके रख दी हूँ, तो सब इधर उधर फेंका रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलते हैं अंदर वाले रूम पे, यहाँ ड्रेसिंग आईना भी अच्छे से क्लीन है, दोनों देखिए बच्चे मस्ती करते हुए। दरवाज़ा में जो कचरा जमा था उसे भी पोंछ दिया है अच्छे से, और यहाँ पे एक छोटा सा कालीन बिछा दिया है ताकि बेडरूम का लुक थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मेहनत को देखते हुए दोस्तों। बच्चों को बैग मैंने ये कोना में डाल दिया है, और बहुत मेहनत लग, 60 मिनट तो सिर्फ नाम का है, 60 मिनट में कुछ नहीं होता। ले गमछा ले, 60 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। और अभी देखिए मैं समेटी हूँ ना, थोड़ा देर बाद शाम होते हो तो देखिएगा पूरा रूम तहस नहस हो जाएगा एकदम। सबसे जो एकदम बच्चे है वो तो मेरे हस्बैंड जी है, पूरा कुर्सी में कपड़ा बिखर देंगे, अलमारी में वो रखेंगे है नहीं, और बच्चे तो बच्चे है ही। तो अभी भी मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ है, अभी जाके मैं इन दोनों का भी नहलाऊंगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा साफ़ सुथरा करके नहलाएंगे दोनों को। डेली तो अपने से नहाते हैं, और इधर सब पूरा चमक गया है, थोड़ी देर बाद देखिएगा यहाँ टेबल का हाल क्या होगा। तो हर एक हाउस वाइफ का, हर एक मम्मी का है, ज़्यादा गुस्सा लगता तब पिटाई पड़ता है लोग को, क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, दिन भर समेटते रहती हूँ, क्या करूँ मैं, थक जाती हूँ एकदम से। तो अभी ये लोग हम बोल रहे चलो नहला देंगे, देखे फिर से नीचे घुस के खिलौना सब बिखेर रहे, तो बताइए मुझे गुस्सा नहीं लगेगा। अभी फिर भी अभी कपड़े डूबे, मतलब चादर वगैरह सब पर पोछना सब वो सब डुबा के रखी, वो सब मुझे अभी धोना है। तो आंगन भी सफाई करना है, जो घास इतने उगे हैं ना, सांप बिच्छू बहुत आ रहे हैं हमारे घर में। तो दोस्तों मेरे मेहनत को देखते हुए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो भी वायरल करवा दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में। और ये एक मेरा क्या बोलेंगे, एक एम है बोलते हैं ना, तो इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो प्लीज़ जैसे बाकी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं मेहनत को देखते हुए, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिए।